मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण कार्यों में करोड़ के काम हवाओं में किए जा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है हमें खोबा ग्राम के खोबा रास्ते पर, जो कि MSH-11 इस रास्ते के निर्माणाधीन काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी गोंदिया, जो कि यह कंपनी इस काम को बहुत ही निचले स्तर से कर रही है, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन कंपनी मनमोजे तरीके से काम करते नजर आ रही है। आइए देखते हैं इस मामले पर पूरी पड़ताल। ऐसे आओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ तुम्हारा। राजेश। राजेश जी, तुम क्या करते हो? आप सुपरवाइजर हो? सुपरवाइजर हो इस रोड के, ठीक है। अभी जैसा इसका टेम्परेचर गिनना है अपने को, इसका तो टेम्परेचर गिनने के लिए मीटर है कि नहीं है अपने पास? मीटर है साहब, लेकिन इधर तो मीटर नहीं रखते हम, उधर प्लांट पर रहता है ना। तो अभी इसका अभी टेम्परेचर अपने को गिनना है, कितना टेम्परेचर होगा इसका? अभी इसका होएगा ना 100-150। 100 के ऊपर होगा? 100 है ऊपर अभी। फिर अभी टेम्परेचर मीटर नहीं रखा जाता क्या यहाँ? कितना मीटर है ये? ये 3 मीटर है। 3 मीटर है। थिकनेस कितनी रखनी है इसकी अभी? रोलिंग पे 20 है। रोलिंग में 20 है और दबाने में? दबाने में 20 है। 20 mm का? 20 mm का रहेगा। देखा आपने, यह है सड़क का निर्माण कार्य। इस पूरे मामले में हमने जब कार्यकारी अभियंता जीजी नंदनवार को फोन से संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। जीजी नंदनवार, यह कार्यकारी अभियंता 31 दिसंबर को कार्य मुक्त हो रहे हैं, यानी इनका रिटायरमेंट हो रहा है। लगभग कमीशन इनके खाते में पहुंच चुका है। दूसरी खबर की ओर रुक करते हैं। खबर आई है पेट्रोल पंप की, मां पेट्रोलियम। यह पंप जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का पंप है। महाराष्ट्र ग्रामीण रास्ते विकास संस्था गोंदिया की ओर से यंत्रणा की ओर से बनाया जा रहा है, लेकिन इस यंत्रणा की ओर से अजीत ठवरे इस अभियंता की नियुक्ति की गई है, लेकिन वही भी इस काम से नदारद है, जिसके चलते आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी गोंदिया के कर्मचारी इस सड़क का काम को लेकर कर रहे हैं, जिसके चलते यह भी सड़क भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ चुकी है।